आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। पंद्रह अगस्त को देश आजाद हुआ था 1947। ऑरेंज शौर्य और आजादी का प्रतीक है। व्हाइट जो है वो शांति का प्रतीक है। सैफ्रन फॉर आजादी के लिए होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे खड़ी हूँ, जहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग जो है घूमने आते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं उनसे स्वतंत्रता दिवस के बारे में, क्या कुछ कहना है उनका और कितनी जानकारी है उनको हमारी आजादी को लेकर। तो आइए कुछ लोगों से पूछ लिया जाए कि उनका क्या कहना है, क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में। तो बता सकते हैं जो ये स्वतंत्रता दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? देश की आजादी के लिए। देश की आजादी के लिए, देश तो आजाद हो चुका है जी, लेकिन ये 15 तारीख को क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था अपना 1947। अच्छा, तो जो इसमें तीन कलर हैं हमारे झंडे में, तिरंगे में, उनका क्या मतलब? ऑरेंज शौर्य और आजादी का प्रतीक है। अच्छा जी। व्हाइट जो है वो शांति का प्रतीक है जी। और हरा रंग हरियाली का, हमारे देश की हरियाली का प्रतीक है, हमारे देश की हरियाली का। तो जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त को इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र हुआ था जी। और जो हमारे तिरंगे में तीन रंग है जी, उनका क्या महत्व है? सुख शांति और समृद्धि का है। सुख शांति समृद्धि तीनों का, तीनों का अगर पूछा जाए तो जो हमारा संतरी रंग है वो किस चीज का? समृद्धि का। और हमारा जो सफेद रंग है वो सुख। और जो देखिए हरा रंग पीछे शांति, शांति शांति सुख शांति समृद्धि समृद्धि। कौन सा रंग किसके प्रतीक है ये नहीं पता, लेकिन है। स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मैम इस दिन को अंग्रेजों के जो शासन था उससे छुटकारा पाया था हमने, इंडिया वालों ने, तो मुक्ति मिली थी। मुक्ति मिली थी जी। तो इसी उपलक्ष में हम मनाते हैं। इसी उपलक्ष में इस दिवस को मनाया जाता है, पूरे देश में बड़े होश उल्लास से मनाया जाता है। अच्छा, अगर बात की जाए हमारे तिरंगे में तीन रंग है तो किस चीज का प्रतीक है, महत्व क्या? अलग अलग चीज को प्रतीक करते हैं, जैसे सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, संतरी कलर जो है शौर्य का प्रतीक है। तो आपको पता है 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, हमारा देश इस दिन आजाद हुआ था इसलिए फ्रीडम के लिए। अगर बात की जाए तिरंगे में हमारे में तीन रंग है, किस चीज का प्रतीक है? एक केसरिया रंग होता है, ठीक है, सैफ्रॉन कलर, एक होता है व्हाइट बैंड और एक होता है व्हील्स ऑफ जिसे टाइम महत्व, एक शांति के प्रतीक होता है, एक हरियाली के लिए होता है, एक जो बीच में अशोक चक्र होता है वो अशोक स्तंभ से वहां से लिया गया था, हमें जो अशोका थे हमारे जो किंग थे वहां उनसे लिया गया था। और सैफ्रॉन फॉर आजादी के लिए होता है। दिल्ली देखने आया, इंडिया गेट देखने आया है या फिर स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाने के लिए? स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करने आए हैं। तो किस लिए मनाया जाता है? हमारा देश आजाद हुआ था। और 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त को ही हमने आजादी प्राप्त की थी इसलिए जी। अगर बात की जाए हमारा जो तिरंगा है तीन रंग है, वो रंग का महत्व क्या है? उन रंग का अलग अलग महत्व है। केसरिया है जो बलिदान का है जी। और श्वेत रंग है वो शांति का प्रतीक है जी। और ग्रीन कलर हरियाली का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। और जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ में 24 तिलियां हैं। अशोक स्तंभ वसुदेव कुटुंबकम की भावना को प्रतीक करता है। बहुत अच्छे से जो आजकल की जनता है जागरूक है, देशवासी जो है अगर मनाते हैं आज़ादी को, सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं महत्व को भी समझते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था, साथ साथ में जो हमारे तिरंगे के तीन रंग हैं उनका क्या महत्व है, अशोक चक्र है उसका क्या महत्व है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।